फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बे। सो इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रियल नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट्स। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट एज इट फॉर्म्स फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ अकाउंटिंग। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू वॉच दिस वीडियो, अंडरस्टैंड दिस, इफ यू रीड अबाउट रियल nominal and personal accounts, then many of your doubts will be cleared. Okay, so three types of accounts are there: real accounts, personal accounts and nominal accounts. What are real accounts? Real accounts kya hai? Real accounts are the accounts of assets and liabilities. Real accounts are those accounts where transactions involving assets and liabilities are recorded. Okay, वो accounts जहाँ पर assets में change हो रहा है, increase हो रहा है, decrease हो रहा है, liabilities में change हो रहा है, increase हो रही है, decrease हो रही है, वो transactions record हों, उन्हें हम real accounts कहते हैं. Okay, example, machinery account. Machinery एक asset होता है. Building account. Building एक asset होता है. Plant account. Plant एक asset होता है. Plant means जो आपका फैक्ट्री सेटअप हो, आपके पास व्हीकल्स हैं, फैक्ट्री के पास, कंपनी के पास व्हीकल्स हैं, एसेट्स हैं, व्हीकल्स का, फर्नीचर है, एसेट है, कंप्यूटर्स हैं, एसेट, आपके पास कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल जो होते हैं जिन्हें आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, बिल्डिंग को छू सकते हो, मशीनरी को छू सकते हो, पर कुछ होते हैं इंटेंजिबल जिन्हें आप फील या छू नहीं सकते हो. जैसे ट्रेडमार्क है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आपके पास उस प्रोडक्ट को बनाने का एक प्रोसेस आप यूज़ करते हो, उस प्रोसेस का आपके पास ट्रेडमार्क है, आप सोचो, या आपके पास पेटेंट है उस प्रोसेस को यूज़ करने का, तो वो एक इंटेंजिबल एसेट है. क्यों? क्योंकि वो आपको एक एडवांटेज देता है कि उस प्रोसेस को कोई और यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो. ओके, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है उस प्रोसेस से, जो दूसरे जो यूज़ कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी कम है, आपकी ज़्यादा है, तो आपकी सेविंग ज़्यादा हो रही है. ओके, दैट मींस वो जो प्रोसेस है वो आपके प्रॉफिट में आपको फ़ायदा दे रहा है, तो वो एक एसेट है, राइट. कैश अकाउंट एक एसेट है, कैश हमेशा एसेट होता है, पैसा एसेट होता है, बैंक में जो कैश है वो भी एसेट है, तो बैंक अकाउंट भी एक एसेट है, राइट. ये जो अकाउंट्स होते हैं रियल अकाउंट, आपको पता है जो बैलेंस शीट होती है हमारी, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल और ओनर्स इक्विटी. कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं. आपने अगर बुक स्टार्ट कर दी होगी सुपर सिंप्लीफाइड, उसमें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में स्टार्टिंग में ही जो टर्म्स, कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन भी दी है, उसके साथ कैपिटल को भी एक्सप्लेन किया गया है क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, उससे आपको पता लग जाएगा. ओके, तो इन अकाउंट, ये जो अकाउंट्स होते हैं ना रियल अकाउंट जिनमें एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, ये आपके हर साल कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं बैलेंस शीट की फॉर्म में. उनमें इनका ब्यौरा होता है, उनमें इनका सारा हिसाब किताब होता है. इनका एक गोल्डन रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट जो भी कुछ आ रहा है उसे डेबिट करो, जो कुछ जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो. ओके, फॉर एग्जांपल, आपने आप कुछ सपोज करो कि आप पेन बनाने की कंपनी, आप पेन बेचते हो, आपने 10,000 रुपीज़ के पेन बेचे, आपके पास 10,000 रुपीज़ आए उस सेल्स की, तो आपके पास क्या है, आपके पास पैसा है, आपके पास 10,000 रुपये आए, डेबिट कर दो, कैश अकाउंट को डेबिट करोगे, कैश आया ना, डेबिट कैश अकाउंट, क्रेडिट आप कह सकते हो पेंस अकाउंट या सेल्स, कुछ भी. क्यों? पेन भी आपका एक एसेट है, जो आपके फिनिश्ड गुड्स होते हैं वो भी एसेट होते हैं, आपका प्रोडक्ट है वो एक एसेट है, बट वो प्रोडक्ट कम हो गया ना, 10,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट कम हो गया, आपने किसी को दे दिया, तो डिक्रीज हुआ एसेट में, तो आपने क्रेडिट कर दिया. कैश भी एक एसेट है, इंक्रीज हुआ एसेट में, तो आपने डेबिट कर दिया. इसी तरीके से आप दो चार और एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आप इसी तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, उसके बाद पर्सनल अकाउंट, नाम से ही पता लग रहा है पर्सन इन्वॉल्व है पर्सनल अकाउंट्स में.
तो अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन. इंडिविजुअल्स को समझ में आता है कि भाई पर्सन है. कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको याद हो GAAP में, जो सुपर सिंप्लीफाइड बुक में भी पहले नंबर पर दिया गया है, उससे आपको पता लग जाएगा कि जो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन ही होते हैं, क्योंकि कंपनी की एक अलग एंटिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग एंटिटी होती है. कंपनीज एक्ट में भी बोला गया है. ओके, तो एग्जांपल्स क्या होते हैं, आपका कोई कस्टमर है भाई बंसल ट्रेडर, तो वो एक पर्सनल अकाउंट है. ओके, और XYZ प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है सपोज करो, जिससे आप कुछ माल लेते हो, वो भी एक पर्सनल अकाउंट है. रमेश अकाउंट, रमेश कोई है, उससे आप कुछ तो ट्रांजैक्शन करते हो, कुछ डीलिंग करते हो, इंडिविजुअल का अकाउंट है, वो भी एक पर्सनल अकाउंट है. अ पर्सनल अकाउंट कैन बी ए नेचुरल पर्सन जैसे रमेश अकाउंट, और एन आर्टिफिशियल पर्सन जैसे बंसल ट्रेडर्स अकाउंट, XYZ प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट. ओके, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैलरी पेएबल अकाउंट. वॉट इज इट, इट कैन कम इन क्वेश्चन. ओके, लाइक सैलरी पेएबल अकाउंट, वॉट काइंड ऑफ अकाउंट इज अ सैलरी पेमेंट अकाउंट, और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ, और लेट्स से सैलरी पेएबल अकाउंट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. उसमें आपके पर्सनल अकाउंट आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा, रियल अकाउंट आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा. सैलरी पेएबल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. व्हाई सैलरी पेएबल अकाउंट? वो होता है आपके यहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं. ओके, आपको महीने के आखिर में, एंड ऑफ द मंथ, यू हैव टू पे देम देयर सैलरी. ओके, तो पेएबल का मीनिंग होता है कि फ्यूचर में आपको देना है. तो वो जो अकाउंट है वो उन 10 पर्संस को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर, इसलिए वो एक पर्सनल अकाउंट है. उसका एक गोल्डन रूल भी है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जिसको पैसा मिल रहा है आप उसे डेबिट करोगे, जो पैसा दे रहा है उसे आप क्रेडिट करोगे. सपोज करो कि मंथ्स एंड में आपने सैलरी दी, तो सैलरी पेएबल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे. क्यों? क्योंकि वहां से तो पैसा चला गया, उस अकाउंट ने पैसा दिया. और जो 10 अकाउंट, तो 10 जो एम्प्लॉइज हैं उनके इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स में पैसा गया, उन्हें आप डेबिट करोगे, यू विल डेबिट. ओके, अकाउंटिंग एंट्री. थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट्स. अकाउंट्स पर्टेनिंग टू एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट्स. इफ यू रिमेंबर 2017 EPFO में क्वेश्चन भी आया था, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इज अ टाइप ऑफ, के बाद चार ऑप्शन आए थे, उसका आंसर था नॉमिनल अकाउंट्स. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट. क्यों? इलेक्ट्रिसिटी इज एन एक्सपेंस. कमीशन रिसीव्ड अकाउंट. व्हाई? कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम. वाटर अकाउंट, वाटर इज एन एक्सपेंस. सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम. परचेज अकाउंट, परचेज एक्सपेंस. So a nominal account is a temporary account which closes after every accounting period. आपके financial statements बनते हैं, सारे nominal account you close them, you close those books. And next year you start fresh nominal accounts बनेंगे. तो उनका होता क्या है? देखिए, आपके income account है, expense account है, losses account है, gains account है, आप उन्हें पूरा calculate करते हैं. एक्सपेंसेस और लॉसेस आपके एक तरफ जाएंगे, इनकम और गेंस दूसरी तरफ जाएंगे. तो इनकम प्लस गेंस अगर ज़्यादा है एक्सपेंसेस और लॉसेस से, तो आपको प्रॉफिट हो गया फाइनली, अदरवाइज आपका लॉस होगा. तो वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये अकाउंट्स, इनका जो हिसाब होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में होता है. और जो बैलेंस बचता है, जो भी फिगर आती है बैलेंस में, अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो फिर आपका चला जाता है बैलेंस शीट में, कैपिटल में, ओनर्स इक्विटी. क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज आपके पास ऑलरेडी हैं, जो है वो है, बचा क्या? कैपिटल.
अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो कैपिटल में वो चले जाते हैं। और उसका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आप ये गोल्डन अकाउंटिंग याद रख लोगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मैनी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़।